रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? ऑल राइट, टुडे आई एम हियर विद कन्वर्सेशन फ्रेजेस, न्यू कन्वर्सेशन फ्रेजेस ऑफ क्लास प्रेप. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट समवन टू ओपन द डोर और विंडो? ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी से कहना है कि वो दरवाज़ा खोल दे या फिर विंडो खोल दे, तो आप कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? यू विल से ओपन द डोर प्लीज, अगर आपने दरवाज़ा ओपन कराना है तब. और अगर आपने विंडो ओपन करवानी है, आप कहेंगे ओपन द विंडो प्लीज. ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. व्हाट विल यू से व्हेन यू विल थैंक समवन? ठीक है, आप क्या कहेंगे अगर आपने किसी को थैंक यू बोलना है? होते ना बेटा, समटाइम कोई आपकी हेल्प करते है, कोई आपकी किसी भी तरह की फेवर आपके साथ करते है, कुछ अच्छा करते है, तो आपका दिल करता है आप उसको शुक्रिया बोलें. तो आप किस तरह किसी को थैंक यू बोल सकते हैं? आप बोलेंगे थैंक यू. ठीक है, क्या कहेंगे? थैंक यू. व्हाट विल यू से व्हेन समवन सेज थैंक यू? अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपने किसी को हेल्प की और कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप उसके रिप्लाई में क्या बोलेंगे? आप कहेंगे यू आर वेलकम. क्या कहेंगे? यू आर वेलकम. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. व्हाट विल यू से व्हेन यू आर डन विद योर वर्क? ठीक है, अब आपको मैम ने काम दिया होता है, घर में आपको कोई टास्क होता है और आप वो कर लेते हैं, तो आपने उस वक्त कौन सा फ्रेज कहना है जब आपने बताना है कि मैंने काम कर लिया है? आप कहेंगे आई हैव डन माई वर्क. आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है. ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट विल यू से व्हेन समवन इज डिस्टर्बिंग यू? डिस्टर्बिंग का मतलब होता है तंग करना. अक्सर इस तरह होता है कि कोई हम काम कर रहे होते हैं, हम बिजी होते हैं, कोई हमें तंग कर रहा होता है, तो हमने उसके साथ रूड नहीं होना, उसको हमने बैड वर्ड्स नहीं बोलने, बल्कि हमने बड़े ही अच्छे अंदाज में हमने से क्या कहना है, हमने कहना है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो. ठीक है, आप इस तरह से बोल देंगे डोंट डिस्टर्ब मी. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट विल यू से व्हेन समवन इज वरिड? वरिड मीन्स परेशान होना. अगर आपको लग रहा है कोई परेशान है, अपसेट है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे डोंट वरी, मतलब परेशान नहीं हो. ठीक है, क्या कहेंगे? डोंट वरी. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर. आपने मेक श्योर करना है कि आप इनको जो है प्रैक्टिस में रखें और इन्हें अच्छे से लर्न करें. इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कन्वर्सेशन फ्रेजेस के साथ मिलूंगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.